भी करनी है इसमें फॉर्मूला। एक प्रोफेशनल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक्सपर्ट बन जाएंगे जो आपके बहुत काम आएगा प्रोफेशनल लाइफ में भी। अगर आप चाहते हैं कि इससे पहले लेक्चर जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का तारुफ, इसके फार्मूलाज, इसके फंक्शंस, ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं तो वो इसी प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं। बल्कि मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको कि आप इस पूरे चैनल में घूमें फिरें, विज़िट करें, इसको थॉरली चेक करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकलेंगी जो आपके बहुत काम की होंगी और फ्यूचर में आपके बहुत काम आएंगी। तो आगाज़ करते हैं अपने आज के लेक्चर का। आज हम असल में पढ़ेंगे कि हमने स्प्रेडशीट के ऊपर कैसे काम करना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने एक स्प्रेडशीट कैसे बनानी है, इसका शुरू से लेके फॉरवर्ड आगे तक हम एडवांस लेवल तक सारा चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्रिएटिंग डिफरेंट स्प्रेडशीट्स। अब इसमें हम कुछ टारगेट लेंगे, फिर उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको समझ आएगी कि कैसे हम टारगेट लेके उसको पूरा करते हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट। कैसे? पहला स्टेप होगा क्लिक द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। ये जो कॉर्नर में ऊपर लेफ्ट साइड पे होगा इसको ऑफिस बटन कहते हैं, जो पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं। सेलेक्ट न्यू कमांड एज शोन इन फिगर 3.2। The new workbook dialog box opens and blank workbook is highlighted by default as shown in this figure. ये ऐसे सामने आएगा आपके, तो इसमें blank जो आपका document है वो show होगा जिसको आपने start करना है जैसे काम। Click create a new blank workbook appears in the window. जब आप इस पे create पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ब्लैंक बिल्कुल खाली स्प्रेडशीट आ जाएगी आपके सामने जिसको आप काम के लिए यूज़ करेंगे। ये है जी विंडो जो हमारे सामने आ गई। इसमें ये ब्लैंक हमारे पास डॉक्यूमेंट है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने से हमारे पास एक ब्लैंक स्प्रेडशीट आ जाएगी। और दूसरा तरीका क्या है, व्हेन अ यूजर फर्स्ट ओपन एक्सेल द सॉफ्टवेयर ओपन टू अ न्यू ब्लैंक वर्कबुक। ऐसा भी होता है कि आप जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलते हैं तो आपको वो ये वाला ऑप्शन नहीं देता, बल्कि डायरेक्टली आपको एक नई स्प्रेडशीट खोल के दे देता है। तो आपको ये नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्टली ही एक नई स्प्रेडशीट पे लैंड करते हैं। हम सैंपल बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें पहला होगा हमारा मंथली एक्सपेंसेस रिपोर्ट का, दूसरा होगा मंथली सैलरी रिपोर्ट का, और तीसरा होगा रिजल्ट शीट का। ये तीनों प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे, इनमें डाटा एंट्री करेंगे, फार्मूलाज लगाएंगे, जिसके बाद हमें रिजल्ट मिलेगा और हमें पता चलेगा कि हम इसमें फार्मूलाज लगा सकते हैं या नहीं, या एक पूरी स्प्रेडशीट या एक मंथली समरी किसी भी चीज़ की बना सकते हैं या नहीं। सबसे पहले हम स्टार्ट करने लग रहे हैं क्रिएटिंग मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट। टू क्रिएट मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट फॉलो दीज स्टेप्स। कौन से? सबसे पहले एक्सेल खोलना है आपने, आपने डबल क्लिक करना है टैब शीट पे और टाइप करना है मंथली एक्सपेंस। अब आपने क्लिक ऑन A1 एंड टाइप मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट। उसके बाद आपने A2 सेल पे क्लिक करना है और वहां पे लिखना है डेट। ये A2 क्या है? ये सेल एड्रेस है, यानी अप टू डाउन कॉलम वाइज ए और लेफ्ट टू राइट यानी रो वाइज 2। तो ए के कॉलम में नंबर 2 जो हमारे पास रो है वो ये है। इनको सेल एड्रेस को कैसे पढ़ना है, कैसे फॉलो करना है, ये हम इससे पहले लेक्चर में बता चुके हैं। अगर आपको इसकी डिटेल समझनी है तो आपके आपको तो आप हमारे पिछले लेक्चर को फॉलो कीजिए। अब ए टू को आप नेक्स्ट टाइम बढ़ा यह
ये सेगमेंट का फायदा ही। माइनस दिस वन तो आंसर यहाँ पे आएगा। इस तरह हम क्रॉस सैलरी निकाल सकते हैं। पहले क्या करना है, हम नाम लिखेंगे, बेसिक सैलरी लिखेंगे, जो हम उसको हाउस अलाउंस दे रहे हैं वो लिखेंगे, जितना मेडिकल अलाउंस है वो लिखेंगे, इन सबको मिला के बनेगी हमारी टोटल सैलरी। वो टोटल सैलरी हमने यहाँ पे लिख दी। लिखने के बाद हमने उसमें से एक चीज़ डिडक्ट करनी है, वो है उस पर 3% टैक्स। वो कैसे निकलेगा, वो हमने पढ़ा है, वो हम लिखेंगे इज इक्वल साइन सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 3% या 3% मल्टीप्लाइड बाय सैलरी, ये वाली। तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब हमने ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शन यहाँ पे आ जाएगा उसका आंसर, जो उसकी नेट पेबल सैलरी है। आगे चलते हैं। अब हम बनाएंगे एक मंथली रिजल्ट शीट। रिजल्ट शीट में भी आपने वैसा ही करना है। सबसे पहले आप उसका नाम ऊपर लिख लेंगे, टैब जो लिखे हैं जहाँ पर पहले लिखा था हमने मंथली एक्सपेंस, फिर उसके बाद सैलरी, और अब रिजल्ट शीट लिखेंगे हम अगले टैब के ऊपर। हम लिख देते हैं कि एक्स वाई जी स्कूल है हमारा,
उसके अंदर फिर हम नीचे लिखेंगे मंथली रिजल्ट शीट, जिसमें हम जनवरी, रोल नंबर, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस या जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिनका हम पेपर लेते हैं, जैसे मजीद ये सोशल स्टडीज, इस्लामियात, एजुकेशन, फिर हम टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेंड। अब टाइप द डाटा इन द शीट अंडर द अबव हेडिंग दैट शोन इन दिस फिगर, क्लिक ऑन K5 एंड टाइप परसेंटेज, क्लिक ऑन J6 एंड टाइप सम इज इक्वल टू B6 टू H6, सेगमेंट पूरा देंगे, फिर क्लिक ऑन K6 एंड टाइप इक्वल साइन J6 डिवाइड बाय 700 मल्टीप्लाइड बाय 100, इससे हमारी परसेंटेज निकल आएगी। ये इसका हमारे पास डेमो है पूरा कि कैसे हमने इसको करना है। पहले हम XYZ स्कूल का नाम जो भी है हेडिंग दे देंगे कि ये मंथली रिजल्ट शीट है, यहाँ महीने का नाम लिख देंगे। अब क्लास में क्योंकि हम रोल नंबर वाइज ही लिखते हैं वो लिख लेंगे, सब्जेक्ट्स के नाम लिख लेंगे, फिर टोटल मार्क्स लिख लेंगे, मार्क्स ऑब्टेंड लिख लेंगे और परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है जी, उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कैसे हमने स्कूल का नाम लिखा, हेडिंग दिया हमने मंथली रिजल्ट शीट, फिर जिस महीने के वो एग्ज़ाम हैं, पेपर हैं, टेस्ट हैं, उसका नाम लिखा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो भी है। फिर क्लास का जैसे डिसिप्लिन होता है, हम सबसे पहले रोल नंबर लिखते हैं, फिर अगर नाम रिक्वायर्ड हो तो हम नेम भी लिखते हैं, देन हम उनके सब्जेक्ट सारे लिखते हैं, फिर टोटल लिखते हैं, टोटल जो उनके नंबर, जैसे 75 है, 100 नंबर होता है, 75 होती हैं, जितने इतने भी होते हैं उनके टोटल हम यहाँ पर लिखेंगे। ये लिखे हैं मार्क्स ऑब्टेंड, याद रखिए टोटल मार्क्स का मतलब है कि हर एक सब्जेक्ट के जो टोटल नंबर हैं वो लिखने हैं, जैसे 75 होते हैं, 65 होते हैं, 100 नंबर होते हैं, 150 होते हैं, उन सब का टोटल यहाँ पे आएगा, और जो बच्चे ने टेस्ट के अंदर नंबर लिए हैं वो आएंगे मार्क्स ऑब्टेंड में, फिर हम निकालेंगे इनकी परसेंटेज, परसेंटेज की बेस पे हम उनका आगे रिजल्ट पे शो करते हैं, किसने कितने परसेंट नंबर लिए हैं और वो पास होगा या फेल होगा या पोजीशन लेगा या क्या करेगा। उम्मीद है इन टॉपिक्स की आपको समझ आ गई होगी। आज हमने एक्सपेरिमेंट किया है, 3 हमने स्प्रेडशीट्स बनाई हैं, और इसका अगर आप प्रैक्टिकल कर लें 2 से 3 बार तो आप किसी और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, अगर कोई कमी बेशी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अपना और अपने चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।